टोपी ला जा क्यों कुने ए फलाई काम जड़े टोपी दोबारा मत मतलब सिलाब विच लगी वने नहीं ये तू कन्नी क्यों बणे ने जा जमीन सारा हो निजाम तूने माने मासी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीम और तुसा दे पे YouTube चैनल नसीम ऑफिशियल। आज दा व्लॉग कोई इतना लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं है, बल्कि एक दुख एक तकलीफ एक दर्द है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान बड़ी मुश्किल दे अंदर है। मुल्क पाकिस्तान दे रहायशी जेड़े खास इलाकों के अंदर रहायश रखते हैं और सिलाब की जद के अंदर हैं। इस वक्त उन्होंने कंडीशन ये है कि काफ़ी सारे लोग जेड़ा घर रखते हैं बेघर हो चुके हैं, बस्तियां दी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, लोग उजर चुके हैं। इस वक्त तो खुले आसमान के तले अपनी जिंदगी बसर करेंगे पे हैं और इस मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने इस वक्त थोड़ी और साड़ी जरूरत है। और अगर असा और तुसा मिल के इस मुश्किल वक्त उन्होंने मदद नहीं करेंगे तो मुश्किल वक्त गुजर तो वैसे ही लेकिन क्यामत दे असा इस चीज़ का जवाब दे हो सू। अज का भी इलाक ही कोई इसे किस्म का है। साडे इलाके दे विच कुछ नौजवान सिलाब जदगान वास्ते कैंप लाए, वो उन्हां वास्ते जुत्ती कपड़ा राशन पानी सब कुछ जो जे कुछ फर सकता है उन्होंने दींदा पे है वो इकट्ठा करी दे पे हैं और वो कैंप इकट्ठा इतने करके जितना समान बन सी वो सिलाब जदगान तक डायरैक्ट पहुँचाया वे सी। एक बहुत बड़ी बेहतरीन काविश है। और मैंने इतने गल याद आ गई है, हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान किसी इंसान की तकलीफ दूर करने वास्ते अगर एक कदम चलता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मस्जिद नबवी च एक महीना इतकाफ करने नालों भी बेहतर है। तो अज वक्त है उन लोगों की मदद वास्ते असं निकलूँ, उन लोगों की हैल्प वास्ते असं घर चो निकलूँ। यकीनन साडा ये मदद वास्ते हेल्प वास्ते उठाया गया एक कदम, उन्हां दी मुश्किल दूर करने वास्ते उठाई गई एक कोशिश और उस कोशिश च उठाया गया एक कदम बरोज़े क्यामत सारे वास्ते बहुत बड़े अजर दा बहस बन सी। मैं हुण उस कैंप च वैना तुहानूं दिखाना उत्थों दा माहौल कि क्या क्या लोग रहिंदे पए हन, कि लोगन किस तरह उन्हां दे नाल हमदर्दी है, ये सब कुछ चेक करें ने। लगे खड़े हो किस चीज़ की सलाह लगे खड़े ते मक्का नाल ही सलाह ते कहीं जासे मकान नवे मन ते पाऊ है मन तोरा ओ नहीं कुकड़ शुकड़ रखो है ते जवै तू सलाह केंदा कने वा किथे पाऊ। हां बड़ा करा है ज्यादा ही बिहार ते ना मिल लवे। अच्छा ये 9,30,000 दा गेदे है। हां 9,30,000 केड़ा मॉडल है? ए 86 मॉडल है। 86 86 अच्छा सामान क्या लग रहा है ये हुन वापस करना पड़ जोर के ना अच्छा ये जो कुछ लोग नींदे पे ना उन्होंने काफ़ी दूर लिखनी पैदा पे चलो ये भी अच्छी काविश है जी जिन्हें दिता है उन्होंने ना मैंशन किया वही लिखा वही तो इस कैंप की सरबराही मुलाजिम हुसैन कुंडी करी देते मैं सुना बुढ़े की कैंप लगा दी बुढ़े का जवैद से लिखा बड़ी अजर आली और इबादत है और इस इबादत का सिला अल्लाह तबारक व तआला दे हां ही मिल सी, क्योंकि वह लोग इस वक्त इस चीज़ का सिला नहीं दे सकते। और मजे की गल है कि जिस वक्त हुक्मरान इतने बेइज्जती वे उन्होंने कोई चीज़ नज़र ना आए और उत्थे आवाम आवाम की खिदमत वास्ते निकले तो इस तू बड़ा इंसानियत का जज्बा क्या हो सकता है कि जिस मुल्क के हुक्मरान सुते पे होवे पांच पांच घंटे दुहाइयां देवण दे नाल हुक्मरान उन्होंने लोगों ना बचा सकें और आवाम उन्होंने बचावण की खातिर घरों बाहर निकल आवे तो आवाम की आवाम वास्ते कितनी एक बड़ी मदद है, कितनी उन्होंने वास्ते एक सिला रहमी है, उन्होंने वास्ते कितना एक दिल के दर्द रखते हैं तो एक आवाम ही है। तो इन्हें भी अपना कीमती वक्त कढ़ा है। जितने लोग वीडियो देते पैन सिलाब जदगान इस वक्त बड़ी मुश्किल हालत है, पाकिस्तान की हालत इस वक्त इंतहा तक खत्म हो चुकी इस है। ईमान दो इम्तिहान है, बिल्कुल ईमान दो इम्तिहान है कि असा किस हद तक असा वो एक ऐलान ही पढ़ते पे ना कि जब मखलूक खुदा हो मुश्किल में तो सजदे में पढ़े रहने कोई इबादत नहीं करते। तो यकीन इबादत वो नहीं होती, इबादत यही है कि जल्द इंसानियत मुश्किल च हो इंसान अपना तन मन वेच के अपना इंसान अपना तन मन वेच के उन लोगों वास्ते लावे, क्योंकि काफ़ी सारे घर जेड़े वो उजड़ चुके हैं, लोगों की औलादा लुड़ चुकी हैं और इस हद तक पानी है मस्जिदा बर्बाद हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, लोग इस टाइम घरों बेघर खुले आसमान के तले जिंदगी बसर करी ले और असा
अगर इस खुशहाली मौजूद है तो अल्लाह तबारक व तआला दा सारे करम है। सानू चाहिए है कि इस सारे आसानी वाला वक्त है उन्होंने मुश्किल वक्त है, इस आसानी वाले वक्त को यूटिलाइज करके उन्होंने मुश्किल वक्त उन्होंने साथ दूँ, ताकि कल सारे उत्ते भी अल्लाह तबारक व तआला इस मुश्किल उन्होंने साथ देने की बजाय सारे उत्ते जरा मुश्किल वक्त आ शायद अल्लाह इस वजह तो दूर कर देवे। अगर अस आज सुते रहे और अस कुछ मदद ना की हूँ देखो सुबह का कैंप लगे कोई कितने केस बने ये समान बने कुछ लोग प्यालिया नीने पैन जो जितना फरते पैन कुछ प्यालिया नीने पैन कुछ ब्रीफ केस हैं कुछ अपन घर के तूलों चाह के गिना है कुछ किए तो नौजवान इस वक्त हमा वक्त कोशिश करेंगे पैन कि जो जी शे घरों पहुँचा सकता है कोई पैसे की ताकत नहीं रखता तो कोई प्याली पहुँचा देवे कोई प्याली की ताकत नहीं रखता तो कोई पिरज पहुँचा देवे कोई पिरज की ताकत नहीं रखता तो कोई तिरपाल पहुँचा देवे तिरपाल की ताकत नहीं रखता तो खेस पहुँचा देवे खेस की ताकत नहीं रखता जो चीज़ चाह उस अल्लाह ताला ने उसको अता की हसबे तौफीक तो वो उसी चू अपना हिस्सा काट के इतने पहुँचा देवे ताकि वो मनो जी हाँ ज़्यादातर जिस चीज़ की जरूरत है चूंकि इंसान खेस तो बगैर भी जिंदगी गुजर वेंदी है तोलाई तो बगैर भी जिंदगी गुजर वेंदी है मकान तो बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है तो जिंदगी नहीं गुजर सकती अगर तो खावन पीवन तो बगैर नहीं गुजर सकती तो उन्होंने शिद्दत की जरूरत है इस वक्त खावन की पीवन की खावन पीवन अगर तुम चीनी दे सकते हो चीनी दो घी दे सकते हो उन्होंने घी दो कोई राशन वाली होर चीज़ जी उन्होंने तक पहुँचाई वे डायरेक्ट और पहुँचैसे भी डायरेक्ट डायरेक्ट पहुँचैसे इंशाला वो उतों भी वीडियो मुकम्मल शेयर करे सू डायरेक्ट पहुँचैसे तो जेड़े लोग वीडियो लेते पैन अपने जरिए कोई थोड़ा अगर अपना वसैल पहुँचावन दे पहुँचाओ अगर साढ़े इलाके कपाही के लोग लेते पैन तो कल लिहार कैंप मौजूद हो सी कल लिहार भी कैंप मौजूद हो सी इन्हों की मदद करो इस वक्त यकीन हो मुश्किल चिन्ह और मैंने एक शेर याद आता पे कि बेसरो समानी और ला मकान का दुख तुम क्या जानो पानी में बह इंसान का दुख कि सियासी रक्स जारी है उनका अहो बका पर भी कि अहले सितम को क्यों नज़र नहीं आता सिलाब जदगान का दुख। तो इस वक्त उन्होंने हुक्मरान तो नज़र ही नहीं आता पाया यार अस एक दूजे की हेल्प और मदद कर सकते हैं सब कितने पैसे कितने बने अंदाजा लाइव तो नहीं चला गया नहीं नहीं लाइव तो डर देता नहीं पैसे काफी सारे ये उन तो नहीं हो यूरो जो कसनी ना ना चला ही नहीं बेटा वीडियो हां वीडियो YouTube पे अच्छा एक नहीं क्यों बने ना टोपी बस पता लगे बे टोपी होती है अच्छा टोपी दी कनी बने ना पता लगे बे टोपी वदी है ठीक ठीक अच्छा केले आए हैं ठीक तू बेटा सवेर दा है सवेरे तो मैं ना के मैं दोपहर आया हूं तू आदे मैं सवेर दा हूं कैंप शुरू दोपहर की था ना वो जेड़े हैं कैंप दे मुंत जमीन है आला वो आने लाइव जो चौहान दास के डेट्स के नहीं उठे पाए देख वीडियो चेक 1951 च इस इलाके नु सांगड़ा कहवेंदा ये जरा तो सा लफ्ज निकला है ना ये निकला है तस्तो अच्छा भाई ये इलाका इतना तसा होता है इतना तसा होता है कि इसमें लफ्ज तो सा ये तस तो निकला तो ते हुण वो इलाका इतना पानी नाल फूटी उठी है कि उसे जो लोग हैं वो भी मर गए यानी कि असं आते हैं ना थाले सिलाब नहीं आता जिस जगह पर दस वाले इलाके अगर कोई तबाही बर्बाद कर सकता है तो सियाने आते हैं भाई दो चीज़ों का रुख कह पास ही नदी एक भादा ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦੂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰੀਂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦੀ ਪੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ अल्लाह हर कानू अमान देवे अल्लाह हर मोमन मुसलमान सुखी से सेहती रखे माल जान हर कज बरकत बरकत हो सकसी इंशाल्लाह ये पूरी टाउन पे करिन दे इंशाल्लाह ते लोग इना नाल बड़े अच्छे बच्चे ने आगे भी हर काम दे विच हर नेकी दे विच इना दा पहला हुंदा है कदम और अच्छे आदमी नेक नियत आदमी अल्लाह ताला इना दी नेकी मंजूर करे अल्लाह ताला हर मोमन मुसलमान नु इस मुसीबत को बचाए ते हर मुसलमान नु अल्लाह नेक कमान दी पाकिस्तान और इंडिया दे मैच दा तराना तो बाद च ही थी सी जेड़ा मैच तो पहले तराना आउंदा है असा इथां ही सुन गन्ने इदे आवां तराना सुना पाकी शाने आ जाने इस्तकबाल साहिब खुदा अच्छा ये सुना है भाई तराना तकरीबन फारसी चुंदा है कोई ये तो मैं नहीं लगता पश्तो पश्तो ही लगता है
केड़ी शाय वाला छे क्या के ये मजे केड़ी शाय उतै दे रे की दे रे केड़ी शाय अच्छा बच्चा दी कापनी दुनिया होंदी है अजीब अजीब तरह ने अजीब अजीब गल्ला याद कीती होंदे ने जेडी साडी सोच तू ही होंदियां बाला तार होंदियां बेटा अच्छा रात मेरा एक भतीजा लगता है तो इसनू बड़ा शदीद किस्म का बुखार है इस टाइम इसका जिसम बड़ा गर्म है हूँ भी इस टाइम ही मेरे को आया खड़ा है तो इसका जिसम हाथ लाया बड़ा गर्म है बेटा आराम आया को नहीं आया आराम अच्छा सिरे दर्द है सिरे दर्द चाचू दस ना सिरे मेरे सिरे दर्द है चाचू दस मेरे सिरे दर्द है दर्द मैंने कहा दवाई गिना रहे आज पाकिस्तान ते इंडिया का मैच है अपना मैच कर दिखने हां इंशाल्लाह इंडिया हिलती आई पूरे 40,000 रुपए का नुकसान थे क्योंकि जो खर्चा किया ना वहां के दौरान उस तो और बेचने के दौरान जो डिफरेंस आया पूरे 40,000 रुपए का क्योंकि बारिशों का मौसम आई सारी खराब हो चुकी है उसकी रंग खराब हो चुका है उसके बीज दो टोटे हो चुका है या बाजोकात बीज जो है वह फुल गया इस वजह तो उस काफ़ी सारा नुकसान लेता है तो छोटे भाई भेजा या दुले वाले उत्थे गए दरवाजे मंगाए ये वाले दरवाजे वो काफ़ी अरसे तो पहले बने पैन मिस्त्री कॉल करी आई कि अपने चाह गिनो वनो नहीं सीधा पिया वो लाजमी गिना सी बाजरा जोड़ा भाई आई उसकी खाद मंगाइए मैं उन हाँ इंतजार खड़ा कि वो आवे ना और जल्द अज जल्द ताक भी आ वन थोड़े वही शेयर करे स दरवाजे थो लिखे स छोटे भाई ने रबता थी हाले वो दुले वाले ही खड़े यकीन वो पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट थी वैसे क्योंकि सारे को दुले वाले जोड़ा है वो तकरीबन 35 किलोमीटर सफर है और रोड खराब है तो उसनों पहुँचने वे इतना तक बहुत ज़्यादा अंधारा थी वैसे उस टाइम मैं थोड़े वो दरवाजे शेयर न कर सकता उन्होंने डिजाइन वगैरह या जोड़ा हो सी थोड़े न शेयर कर सकता तो इंशाल्लाह कल की वीडियो लेकिन उन्होंने रिलेटेड मैं दो चीज़ों बड़ा परेशान खड़ा इस वक्त वो भी मैं थोड़ा कल के विलाग दसा स और दो चीज़ा किस वजह तू परेशान हाँ तो वो इंशाल्लाह कल के विलाग दसा स दरवाजे भी मैं थोड़ा कल के विलाग दिखे स केड़ी पहाड़ी दिखावा हाँ ये कपाही है पहाड़ी इलाका नहीं अद पहाड़ी दिखा ये कपाही है तो पहाड़ी इलाका कोई नहीं कितू पहाड़ी नजर आती है किश है पहाड़ी दी कई पहाड़ी होए कई पहाड़ी चेते चौक पहाड़ी नजर आती अदन पहाड़ी सन दिखाओ वही कपाही थी कमाल है कपाही तू पहाड़ी नजर नहीं आती कपाही तू टिबे नजर आंदे इत्थे ते हुण चाह के सुनो घर सटी ने चलो नपो भाई पिछू उत्ते सुमना नहीं मंजी चावनी है चलो नपो पिछू असें घर सटी ने घर इंडिया वाले मैच दा संबंध बस छत्ते करी दे पए बड़ा मजा आसी छत उत्ते टीवी लग सी ते ठंड हुंदी है बड़ी ये टीवी लगदे पए रिसीवर वो सामने से लाया थले इसका डिश टोकरा और इस जगह उत्ते असं बह के राती मैच इंजॉय करे सू बड़ा मजा आसी बड़ा मजा आसी मैच देखने ते दुआ करी ने भाई पर माहौल चेक करो यार इस जगह ते जितना सुकून आंदा है ना हकीकत है मैं उसका अल्फाज बयान भी ना कर सकता वो मैच राती देख सू टीवी जोड़ के दे मैच चलता पे छत उत्ते ते आज दी वीडियो दे थाई इख्तिताम करी ने छत दा बड़ा बेहतरीन माहौल कुछ लाइटिंग चेक करो बंदा आदा था किसी पहाड़ी उत्ते आखना लगता तो इं बस वी चल रही क्या पहाड़ देते हैं ते तले भी सब निज़ाम बनाया हुआ है मंजी भी रखी हुई है तो बेहतरीन सिस्टम है अज दे विलाग दे थाई इख्तिताम करी ने पाकिस्तान और इंडिया दे मैच दे और दो आउट हो चुके दुआ करो टारगेट बड़ा अच्छा बने ताकि पाकिस्तान मैच जित बने लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का नहीं उम्मीद का नहीं लेकिन दुआवां वत भी पाकिस्तान लगे ठीक है शुक्रिया कल मिलते हैं विलाग।